हमारे पटवारी द्वारा अतिक्रमण की जानकारी दी गई, तो जो आदमी अतिक्रमण किया है वो हमारे पटवारी को व्यक्तिगत रूप से जान से मारने की धमकी देता है। अपनी प्रार्थना लेके आए थे कि सर ऐसे धमकी वाले वातावरण में हम कैसे काम कर पाएंगे। इस तरह की धमकी दी गई है, इसका विरोध पूरे दुर्ग जिले के पटवारी आज यहाँ इकट्ठा होके आक्रोशित होके इसका विरोध कर रहे हैं। कौन व्यक्ति जिसने ऐसे धमकी दी? जो मामला है वो पटवारियों का है, वो पटवारी हैं, कहाँ से आए हैं, क्या समस्या है, इस पर बात करेंगे। तो जी अपना नाम बताएंगे। मैं प्रमोद श्रीवास्तव, राजस्व पटवारी संघ का जिला अध्यक्ष ध्रुव जी। जी सर, किस समस्या को लेकर अभी आप लोग यहाँ? हम लोग यहाँ पे आए थे कि शासन की समय समय में सांसद से जानकारी मांगी जाती है कि किस गांव में कितना अतिक्रमण है। जी जी। तो हमारे पटवारियों द्वारा अतिक्रमण की जानकारी शासन को समय समय पर दी जाती है। जी जी। उसी विषय में जब हमारे पटवारी द्वारा अतिक्रमण की जानकारी दी गई, तो जो आदमी अतिक्रमण किया है वो हमारे पटवारी को व्यक्तिगत रूप से जान से मारने की धमकी देता है। सर ये कौन है जो जान से मारने की धमकी देता है? वो इसमें जानकारी है मैडम उसमें, है ना? तो वो हमने शासन माननीय कलेक्टर महोदय समक्ष इस अपनी प्रार्थना को लेकर आए थे कि हम तो शासन का काम कर रहे हैं और शासन का काम हमको करना है। शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं को हमको लागू करने में हम जितना भरसक प्रयास हो सकता है हम उसको देने की प्रयास करते हैं। लेकिन हमको जो धमकी दी जा रही, तो हम माननीय महोदय के समक्ष अपनी प्रार्थना लेके आए थे कि सर ऐसे धमकी वाले वातावरण में हम कैसे काम कर पाएंगे, क्योंकि हर पटवारी अपने हलके में अकेला रहता है और कोई भी व्यक्ति जिसका अतिक्रमण जो किया होता है वो उससे दुश्मनी निभाने के लिए कुछ भी किसी भी प्रकार का अतिक्रमण। कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर ये अभी तो क्षेत्र है महमरा का क्षेत्र है, बाकी और भी क्षेत्रों सभी क्षेत्रों में बनाई जा रही जानकारी। राजनीति से संबंधित है? नहीं, राजनीति संबंधित नहीं है मैडम। उस व्यक्ति का ये कहना है कि ये जमीन मेरा 30 साल से कब्जे में थी और ये मेरी है। तो भाई उनके पास दस्तावेज, पटवारी द्वारा यह कहा गया कि आप माननीय न्यायालय के समक्ष अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर दीजिए। आप प्रस्तुत कर दीजिए, आपका होगा, आप ले सकते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा यह किया गया कि यह जानकारी, यह भूमि जो है शासकीय है और शासकीय जमीन पर कोई अतिक्रमण करेगा तो ग्राम पंचायत अपने अधिकार का उपयोग करते हुए उन्होंने आवेदन लगाया और माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार हमारा पटवारी जान नाम हमारा के सरपंच का क्या कहना है सर? सरपंच ने ही आवेदन लगाया था, उनका कहना है कि क्या बोलते हैं, ये शासकीय जमीन है और शासकीय जमीन में हम अतिक्रमण नहीं होने देंगे। सर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जिस हिसाब से पटवारियों को जो काम करने से रोका जा रहा है, जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है, ये तो बहुत निंदनीय है। इस विषय में आप क्या कहना है? इसी विषय को लेके आज पूरे दुर्ग जिले के समस्त तहसील के पटवारी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि पटवारी जो है अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, पटवारी का अधिकार क्षेत्र है, अतिक्रमण होता है, उसकी रिपोर्ट बना करके माननीय न्यायालय में पेश करना। इस तरह की धमकी दी गई है, इसका विरोध पूरे दुर्ग जिले के पटवारी आज यहाँ इकट्ठा होकर आक्रोशित होकर इसका विरोध कर रहे हैं और इसी संदर्भ में कलेक्टर साहब से भेंट भी की है। सर अभी आप लोग कलेक्टेड आए हैं, कलेक्टेड में आपको कलेक्टर ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन तो हमको बोले हैं मैडम कि ठीक है, इनका त्वरित कार्रवाई करवाते हैं, क्योंकि बात मतलब जमीन से संबंधित नहीं है, सरकारी कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी है, ये बड़ी बात है। तो इस पर कलेक्टर महोदय ने क्या कहा था? कलेक्टर क्या बोले? एक मिनट जी, कलेक्टर महोदय ने क्या कहा? कलेक्टर साहब ने ये कहा कि अपने स्टूडेंटों को कहा है कि इनको त्वरित कार्रवाई किया जाए, FIR दर्ज किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। सर वो कौन व्यक्ति है जिसने ऐसे धमकी दी? टेलीफोन में ट्रू कॉलर मैडम, उसके ट्रू कॉलर में है। कोई बात नहीं, आप खुल के बताइए ट्रू कॉलर में क्या? वीरानी सोनी करके, वीरानी सोनी करके जो ट्रू कॉलर में बताया जा रहा है, उनके द्वारा जो पटवारी है उनको जान से मारने की धमकी दिए हैं, जिसके चलते यहाँ पर ये माहौल बना है और पूरे पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष के साथ पूरे जिला भर के पटवारी यहाँ पर कलेक्टर पहुँचे हुए हैं जी। और कुछ कहना चाहते हैं इस विषय में? और यही मैडम कि हम जैसे अभी अवैध प्लाटिंग की भी जानकारी मांगी जा रही है, तो हमारे साथी जो हैं सब जानकारी दे रहे हैं, तो हमारा जनमानस से और सभी से ये निवेदन है कि इसको व्यक्तिगत ना लिया जाए, क्योंकि शासन की योजना के अनुरूप के तहत हम काम कार्य करते हैं, इसको व्यक्तिगत ना लेते हुए ये शासन की जो महत्वपूर्ण योजना है उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, शासन के प्रत्येक आदेश का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उसी प्रतिबद्धता के तहत हम कार्य करते हैं, है ना? और मैं मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो ऐसे मुद्दे को उठाकर हमारे साथ कदम से कदम मिला के पटवारियों को हौसला अफजाई कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। तो ये थी पूरी जानकारी जहाँ पर पटवारी पूरे लोग यहाँ पर कलेक्टेड पहुँचे हुए हैं, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि किसी को जान से मारने की धमकी कोई मामूली बात नहीं होती है। अब देखना ही है कि प्रशासन इस मुद्दा को कितनी गंभीरता से लेते हुए उस ट्रू कॉलर में जिसका नाम शो हो रहा है उसके ऊपर कितना दंडनीय मतलब उसके ऊपर कार्रवाई होती है। नमस्कार।